और भाई क्या सीन है, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे ब्रांड न्यू व्लॉग में। एंड टुडे आई एम गोइंग टू फ्लाई टू अनदर कंट्री। आई एम रियली रियली एक्साइटेड एंड गेस व्हाट, आई वांट टू टेक यू अलोंग विद मी। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5, मेरी फ्लाइट है 12:05 में रात में। तो थोड़ी देर में मैं निकलती हूँ घर से और आप लोगों से मिलती हूँ एयरपोर्ट पे। मैं आ चुकी हूँ लाउंज में और मैंने अभी तक काफ़ी चीज़ें खा ली हैं। अभी मैं खा रही हूँ सैलेड मेरी प्लेट में, और मैंने ले लिया है ग्लास ऑफ वाइन। अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है जाने में, तो तब तक सिप करते हैं वाइन और करते हैं इन्जॉय। फ्लाइट डिलेड है 1 आवर 20 मिनट्स डिलेड है क्योंकि 12 बजे की थी। अब 1:20 पे फ्लाई करेगी, तो तब तक यहीं पे चिल करते हैं। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ वियतनाम। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हनोई वियतनाम। तो अभी मैं खड़ी हूँ और मेरा वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है एंड अब मैं यहाँ से लूँगी सिम। मुझे काफ़ी चीज़ें थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही हैं बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, तो वो अभी देखेंगे। वीज़ा वगैरह की शॉप मुझे नहीं दिखी है, नहीं दिखेगी तो कोई बात नहीं है, मेरे पास वियतनामीज़ डोंग है तो मैं डायरेक्टली भी जा सकती हूँ हॉस्टल पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके। तो देखते हैं, लेट्स सॉर्ट इट आउट। बट या फाइनली रीच्ड। मैंने फ्लाई किया था वियत जेट में एंड वियत जेट में एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मैं आपको बताती हूँ। एक्सपीरियंस वॉज ओकेश, फ्लाइट अच्छी थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन मुझे लगी जब मुझे लगी प्यास और वहाँ पे पानी फ्री नहीं था, तो आई हैड टू बाई दिस बॉटल फॉर 300 bucks। तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग पार्ट लगा। नंदलेस पानी तो पीना पड़ा बिकॉज प्यास लग रही थी। बाकी ओवरऑल फ्लाइट एक्सपीरियंस वॉज गुड। ऑल दो फ्लाइट दिल्ली से डिलेड थी बिकॉज मौसम यहाँ का काफ़ी क्लाउडी चल रहा है, लेकिन नंदलेस उसने अपने टाइम पर ही पहुँचा दिया। कुछ 20 मिनट का डिले हुआ होगा, बट दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द वेदर। वो सही है, सेफ्टी इज़ प्रायोरिटी, कोई बात नहीं, थोड़ा डिले चलता है, बट सेफली पहुँच गई हूँ और अभी बढ़ रही हूँ आगे। ले लिया है वियतेल का सिम $15 में, जो मुझे मिला है 2 हफ्ते के लिए 6 GB डेटा पर डे, तो इट्स काइंड ऑफ अनलिमिटेड और लोकल कॉल्स एकदम फ्री हैं, तो कोई मतलब चिल सीन है। ये मैंने एक ब्लॉग में देखा था वियतेल बढ़िया सर्विस है, तो वही ले लिया क्योंकि कजाकिस्तान में मेरे से ही गलती हो गई थी, मैंने सिम पहले नहीं लिया था और फिर एक लोकल टैक्सी ने काफ़ी बड़ा स्कैम कर दिया था। तो इस बार मैं काफ़ी केयरफुल रहूँगी इन सब चीज़ों से। मैं कर रही हूँ ग्रैब डाउनलोड, ग्रैब से मैं जाऊँगी अपने होटल या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी, हुआ तो ठीक है वरना ग्रैब से मैं चली जाऊँगी। काफ़ी ज़्यादा ठंड है, मतलब मैंने तो उम्मीद नहीं की थी, लेकिन लास्ट मिनट में मैंने कपड़े रख लिए थे, टेम्परेचर चेक कर लिया था। 2-3 दिन यहाँ पर ज़बरदस्त ठंड होने वाली है, दिल्ली को मात देने वाली ठंड है। कैब आ चुकी है, कैब में बैठ रही हूँ। ग्रैब बुक कर ली थी मैंने, महंगी हुई है, 1000 रुपये की हुई है यहाँ से मेरे हॉस्टल के लिए। हॉस्टल है मेरा हाई फाइव हनोई में, तो वो अभी मैंने देखा तो इट इज़ 42 मिनट्स अवे। हनोई में ट्रैफिक लगता हुआ। Còn với nhà nước thì vẫn phải làm bạn ạ. Yeah. For the people tomorrow will be a day off for reunion, but for the government we still have to be friends. हूँ अभी ओल्ड क्वार्टर में, मैं बहुत थक गई थी, मेरी फ्लाइट लैंड हुई थी सुबह तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैं सोई हूँ 4 घंटे और ड्रेस अप होके आ चुकी हूँ इस एंशिएंट मार्केट के बीचों बीच। एंड ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और इस टाइम तो यहाँ की वाइब कमाल की है। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको घुमाती हूँ हनोई का ओल्ड क्वार्टर विद मी सैसी सौम्या। तैयार हैं आप एक्सप्लोर करने के लिए? लेट्स गो। माहौल काफ़ी ज़्यादा मस्त है, ओपन में लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं, मतलब चिल माहौल है। और मैं बढ़ रही हूँ आगे नाइट मार्केट की तरफ, जो मैंने देखा है कि बहुत पॉपुलर है, तो देखती हूँ आगे। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, लगती वीकेंड्स पे वीकडे पे है, बट मैंने ग्रैब बुक कर ली थी इस एरिया की इंटरनेट पे पढ़ के, सो लेट्स गो एंड सी
एक्चुअली में क्या है वहाँ पे। तो अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ और देख रही हूँ वॉट इज मोर टू एक्सप्लोर। बट हाँ, ये यहाँ पे है कि यहाँ पे जो इनका खुद का खाना है, जो इनका वियतनामीज फूड है, वो लोग बहुत बढ़िया तरीके से खा रहे हैं, शौक से खा रहे हैं, तो मैं भी ट्राई करूँगी। लेकिन अभी चलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या है, क्योंकि स्ट्रीट्स तो बहुत ही ज़्यादा बसलिंग, बहुत ही ज़्यादा सब कुछ ग्लोई ग्लोई लग रहा है, और मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा है। लग रहा है कि पता नहीं कहाँ ही आ गए हैं। माहौल एकदम लिट है, सब लोग बाहर बैठे हैं, स्ट्रीट्स पे खा रहे हैं, और मैं भी कहीं बैठती हूँ, बढ़िया सी जगह देखती हूँ। मतलब काफी लिट माहौल है भाई साहब, मैं आपको दिखाती हूँ, अलग ही माहौल है। लेट मी शो यू। भाई आप लोग देख सकते हो कितनी ज्यादा वैरायटी है ये बियर हाई पे, सब कुछ है। मतलब वेजिटेरियन डिश, ड्राइड फूड, वेजिटेबल्स, पोर्क, चिकन, बीफ, क्वेल, मतलब सब कुछ, यू नेम इट दे हैव इट, क्वाइट लिटरली। मतलब सब कुछ है। मेरे पीछे आप देख सकते हो लोग बैठे हैं, चिल कर रहे हैं। मतलब ये वाइब इतनी ज़्यादा बहुत बढ़िया लग रही है। मैं अभी थोड़ा चक्कर मार रही हूँ एंड देन आई विल डिसाइड कि मैं कहाँ बैठूँगी। एक्चुअली इट इज़ वेरी गुड। भाई इतनी भीड़, ये था यहाँ का वॉकिंग स्ट्रीट। भाई समझ नहीं आया कि कहाँ बैठूं, बट अभी और ढूंढ रही हूँ। बट गजब था भाई, वो गजब था, वहीं जाऊंगी, अलग ही वाइब थी। न्यू ईयर का मौका है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया चाइनीज ल्यूनार न्यू ईयर पे मैं हूँ यहाँ पे। इतनी भीड़ है और यहाँ पे कुछ सेलिब्रिटी आ गए हैं यहाँ के लोकल, जिनके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये यहाँ पे खड़े हैं एंड दे विल बी परफॉर्मिंग समथिंग, सेइंग समथिंग। सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, न्यू ईयर होने वाला है, और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ पूरा अटेंड करने के लिए, क्योंकि मेरा जो स्टे है वो बहुत ही ज़्यादा पास है, जस्ट 5 मिनट की दूरी पे। सो आई एंजॉय इन लोगों के साथ। देखती हूँ कौन लोग हैं, ये बड़े सेलिब्रिटी हैं, तो देखती हूँ। अभी नाम वाम तो पता नहीं है, लैंग्वेज भी समझ नहीं आएगी, बट लेट्स सी, लेट्स एंजॉय।